बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सप्लिसिट पंच, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस क्लास में हमने जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, राइट। अब हमें जो स्टार्ट करना है वो आपके सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जिसमें वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल अलग होते हैं, और अगर एक्स और वाई आपका मिक्स में है तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका, दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। बट एट द सेम टाइम अगर आपका वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल सेपरेटेड है, देन इट इज अ केस ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये आपका क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन में देखो आपका इन्वर्स वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि चैप्टर टू की वेटेज ज्यादा क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि चैप्टर टू के सारे कंसेप्ट जो आपके वो यहाँ के यूज होते हैं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 26, काइंड ऑफ डेरिवेशन ही है आपकी। क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। कि अगर एक फंक्शन साइन इनवर्स x के इक्वल है, अगर एक फंक्शन जो है साइन इनवर्स x के इक्वल है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखो इनवर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, कैन आई से दैट साइन y विल बी इक्वल टू x, साइन y विल बी इक्वल टू x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन y का डेरिवेटिव करोगे पहले तो फंक्शन का करोगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos y, देन एंगल का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज वन। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय कॉस वाई, वन बाय कॉस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया वन बाय कॉस वाई, और वाई की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स, ये थी ना, देखो आप वैल्यू ऑफ वाई इज साइन इनवर्स एक्स, इज इट क्लियर, वैल्यू ऑफ वाई साइन इनवर्स एक्स। तो इन प्लेस ऑफ वाई आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था वन बाय कॉस वाई, तो इन प्लेस ऑफ दिस वाई वी कैन प्लेस साइन इनवर्स एक्स, हम रख सकते हैं ना। तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स आपका वन बाय कॉस वाई है, बिकॉज आपको पता साइन इनवर्स एक्स तो कॉस तो सॉल्व होगा नहीं, ये तभी सॉल्व होगा जब कॉस के साथ साइन इनवर्स के साथ साइन हो, राइट भाई। अगर साइन साइन इनवर्स एक्स होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व करके क्या सकते हो, इट विल बी इक्वल टू एक्स, बट यहाँ पर इशू है ये कॉस है ये साइन है, तो ये आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो व्हाट वी कैन डू, ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आया है वन बाय कॉस वाई, बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, कैन आई से दैट कॉस वाई विल बी इक्वल टू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, यस और नो, cos y is equal to root 1 minus sin square y। तो ये जो आपका dy by dx 1 by cos y आया था, अब डायरेक्टली इस cos y को लिख सकते हो sin square y। इसका आपको एडवांटेज क्या हो गया, इसका एडवांटेज ये हो गया फर्दर इट विल बी dy by dx is equal to 1 upon root 1 minus sin y की जगह क्या आ जाएगा sin inverse x, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब आपको पता sin sin inverse थीटा क्या होता है x, तो फाइनल जो आपका डेरिवेटिव होगा दैट इज वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर भैया। इधर हमने वाई में साइन इनवर्स एक्स लगा दिया, वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है लगाया ना, वो तो आपने स्टार्टिंग से, हां ठीक है, वाई की जगह आपने साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया, जैसे साइन इनवर्स एक्स पुट किया तो ये हो गया साइन साइन इनवर्स एक्स, और जो आपका स्क्वायर था ये एज इट इज आ गया, साइन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स और ये स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस एज इट इज आ गया, इज इट क्लियर। हाँ जी भैया। तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया आपका वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट वन, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, ये आपका जो है डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि अगर आप उसकी जगह साइन इनवर्स एक्स रखोगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, जिससे आपको ये समझ में आ जाए क्यों हमने साइन कॉस स्क्वायर वाई को वन माइनस साइन स्क्वायर वाई किया। ओके, ये वाला पोर्शन आपको नोट नहीं करना है।
ये जिसमें मैंने क्लाउड बना रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। अगेन लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन वाई विल बी इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec square theta, then derivative of theta that is y, derivative of y with respect to x that is dy by dx, derivative of x with respect to x that is 1. So finally dy by dx will be equal to what, 1 upon sec square y. sec square y can be written as 1 plus tan square y, right? Ye aapne already study kiya hua hai that sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. X square theta is equal to tan square theta. And tan y is equal to what? Tan y is equal to x. In place of tan y, we will put x. It means derivative of tan inverse x. Derivative of tan inverse x. Because y is tan inverse x. Derivative of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. Is it clear? Okay.